बिलासपुर के मस्तूरी ब्लॉक का मछा प्राइमरी स्कूल की घटना है। स्कूल में शराब पीकर आते हैं शिक्षक। बच्चों के जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे सहायक शिक्षक का संतोष कुमार केवट के द्वारा शराब पीकर अपने मूंछों पर ताव देते हुए डीईओ और कलेक्टर को जाकर बता दो करते हुए बेपरवाह टीचर स्कूली बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर शर्ट के जब से शराब की। आचार्य तुलसी चौहान के समक्ष सीसी निकालकर चकना निकालकर बच्चों के एवं प्राचार्य के सामने शराब की सेवन करते हुए बच्चों के सामने अजीब सी हरकत कर रहे थे। इस पर पूरी तरह से जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो मस्तूरी विकासखंड के माझा जनपद पंचायत प्राथमिक शाला का है। जब उनसे पूछा गया तब उन्होंने कहा हमारी मर्जी हम कुछ भी करें, रोज पीता हूं, आपको कोई दिक्कत इतना ही नहीं। चकना दिखाते हुए कहते हैं कि यह शीशी मेरे पास सब कुछ है। बच्चे देखते हैं तो देखने दो, घर की टेंशन की वजह से स्कूल में शराब पी रहा हूँ। सोशल मीडिया पर वायरल हो गया वीडियो। सामने आने के बाद डीईओ तत्काल मामले के संज्ञान में लिया और कार्यवाही करते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया। बता दें कि शिक्षक का नाम संतोष केवट है जो सहायक शिक्षक के तौर पर पदस्थ हैं। आपको कोई दिक्कत कहते हुए मीडियाकर्मी को भी धमकाया जा रहा था। नशे में धूप शिक्षक यह भी नहीं समझ पाया उसके सामने बच्चे एवं प्राचार्य मैडम बैठी हुई है। ओ काम चार था, उसको देखने आया था। देखो ना भाई क्या देखना। आप कौन हो? मैं टीचर हूँ। टीचर हो? क्या रखे हो अपनी जेब में? ये जो भी है क्या काम है बताओ ना। टीचर आप स्कूल में ICP के बैठते हो? तो हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। क्या प्रधान पाठक खुलेआम स्कूल में क्वार्टर लेकर रखे हैं आप? हाँ हाँ मेरी मर्जी। आपकी मर्जी क्यों? मेरी मर्जी, आपको क्या करना है? मैं रोज पीता हूँ। कैसी आप? कुछ प्रॉब्लम? अच्छा मेरे पास सब कुछ है। अच्छा सर ये गलत बात है ना, स्कूल में ऐसा नहीं करते हैं। बच्चे लोग देख रहे। देखो देखने दो मेरे को क्या, आपको क्या करना है बोलो, वो दिक्कत। आप गवर्नमेंट जॉब में सर, आप शिक्षक हैं। गवर्नमेंट जॉब में क्या करना है बोलो, वो दिक्कत। मैं कर रहा जो कर रहा हूँ। हाँ बोलो। ये है सीसी, ये सब है मेरे पास, फोटो खींच लो। क्या नाम? पता नहीं सर, मैं जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ। जेब में रखा हुआ है, सामने स्कूल है, स्कूल के अंदर पानी। पहचान पत्र दिखाइए। मैं दिखा रहा हूँ सर, आपको दिखा रहा हूँ। सर ये तो अभी आ रहे हैं स्कूल, ऐसे भी लेट में आए हैं। लेट में आया हूँ और आया हूँ सुबह से, आऊँ 2-3 घंटे हो गया हूँ। ये देखो ये। MCB जिले के चिरमिरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध तरीके से शराब परिवहन करते दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि अवैध कारोबार के खिलाफ MCB पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि जिले भर में किसी प्रकार का अवैध कारोबार पर सख्त कार्यवाही करें। इधर चिरमिरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पौड़ी की ओर से हल्दीबाड़ी आ रहे दो युवक स्कूटी से महुआ की कच्ची शराब लेकर आ रहे थे, जिस पर चिरमिरी पुलिस की टीम ने बड़ी चालाकी से कच्ची शराब परिवहन कर रहे दो युवकों को धर दबोचा, जिनके पास से एक स्लेटी रंग की स्कूटी और करीब 97 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। जब्त किए गए शराब की कुल कीमत करीब 20,000 रुपये बताई जा रही है। वहीं पकड़े गए दोनों आरोपियों के ऊपर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया। सूचना मिली कि आज दिनांक 28/2/2024 को ग्रे कलर की स्कूटी में दो व्यक्ति पौड़ी की तरफ से कच्ची महुआ शराब लेकर हल्दीबाड़ी की ओर आ रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई एवं हल्दीबाड़ी में उक्त वाहन को, ग्रे कलर की स्कूटी को पकड़ा गया, जिसमें से उनके पास से लगभग 97.5 लीटर महुआ शराब जब्त की गई है। बीजापुर जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। सड़क चोरी होने का आवेदन लेकर पत्रकार पहुंचे पुलिस अधीक्षक के पास। बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र पुतकेल गांव का मामला है, जहां 3 पत्रकारों को सूचना मिली कि गांव में एक सड़क बनी ही नहीं है, लेकिन सड़क का बोर्ड लग चुका है। जिसके बाद कुछ पत्रकार गांव पहुंचे तो वहां देखा कि पुतकेल से पटेलपारा सड़क का बोर्ड लगा हुआ है, जिसके बाद विभाग की वेबसाइट खोल कर देखने से पता चला कि उक्त 2 किलोमीटर सड़क तो 5 मई 2022 को ही पूर्ण हो चुकी है, जबकि वहाँ सड़क नहीं थी। वहाँ आज भी पगडंडी सड़क है, एवं खेत ही नजर आ रहा है। ग्रामीणों से पूछने पर उन्होंने सड़क अभी तक नहीं बनने की बात कही, जब विभाग के अनुसार सड़क बन चुकी है और मौके पर सड़क नजर नहीं आई तो पत्रकार ईश्वर सोनी, कुशल चोपड़ा एवं प्रशुन शर्मा ने सड़क चोरी होने को लेकर पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया और मामले की जाँच कर सड़क चोरों पर कार्यवाही करने की मांग की। भाजपा ने भी सड़क चोरी की खबर मिलने के बाद जिला अध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार ने 6 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया, जो जांच कर हाईकमान को जानकारी भेजेगी और कार्यवाही की मांग करेगी।
ठीक, एक बोर्ड लगा है इस चौक पे, पुतकेल से पटेल पाड़ा 2 किलोमीटर सड़क का, क्या वो सड़क बनी है? आप यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं? वो तो सड़क तो नहीं बनी सर, बोर्ड इधर लगा है। तो पटेल पाड़ा जाने के लिए कौन सी सड़क है? रास्ता है सर, पगडंड रास्ता में जाते हैं। ऐसा कहीं से भी बनी है कोई सड़क, कहीं और से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं से भी नहीं बना। अच्छा, कल एक खबर आई थी कि आपका ये जो सड़क है ये चोरी हो गई, एक शिकायत भी की गई है, तो ये बात आप तक पहुंची है, इसकी जानकारी आई जी? कल पता चला है सर। तो गांव में क्या चर्चा है? गांव में तो अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं लिया। नहीं नहीं, चर्चा क्या हुआ उसको लेकर? सड़क आप लोग भी खोज रहे हो? जी जी, आप लोग सड़क खोजे का आज सुबह से? जी जी। तो मिला आपको क्या है और आप किस पद पर है? वार्ड सरपंच। आप सरपंच हैं? मैडम है। मैडम है, क्या नाम है उनका? नुपो फजे। और आप क्या उनके पति हैं? जी। तो ये पुतकेल से पुजारी पारा सड़क बना है? हाँ बना। और पुतकेल से पटेल पारा कहाँ पे? नहीं बना है, वो खेत की वजह से नहीं बना। नहीं बना है। और पुतकेल से पुजारी पारा 2 किलोमीटर सड़क बन गया है? बन गया। और पटेल पारा सड़क नहीं बना? नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? खेत की वजह से। खेत है करके? बोर्ड तो लगा हुआ है। हाँ बोर्ड तो लगा हुआ। बोर्ड लगा और विभाग बोलता है रोड पूरा बन गया करके, पटेल पार तक रोड बना दिए हैं। तो गांव वाले देखे नहीं तो कहाँ बनाएगा? मतलब आपको नहीं मालूम है रोड? नहीं, नहीं, आपके नॉलेज में रोड बना नहीं है? नहीं बना। क्योंकि आप सरपंच वार्ड पंच हैं? हाँ। तो आपको मालूम है रोड नहीं बना? नहीं बना। इसका मतलब विभाग झूठ बोल रहा है? लगातार मीडिया में जिस तरीके से खबरें प्रकाशित हो रही थी उसे देखने के बाद पता चला कि सन 2022 का मामला है। PMGSY का जो सड़क आवपल्ली से आगे पुतकेल ग्राम का मामला है, वहाँ सड़क अभी तक बनी नहीं। और जिस संबंध में लगातार खबरें आ रही तो मैंने भी उसे तत्काल संज्ञान में लेकर भारतीय जनता पार्टी के 6 सदस्य जांच दल की टीम गठन कर इनको कल ये जांच करने वस्तुस्थिति जानने जाएंगे और इनका रिपोर्ट जो प्रस्तुत करेंगे उसे मैं संबंधित विभाग में रिपोर्ट पेश करूंगा और उसके बाद मैं इसमें जांच करने की मांग भी करूंगा सरकार से और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ शक। आज शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला आमानारा हरदी में न्योता भोजना कार्यक्रम शाला के प्रधान पाठक व शिक्षक नरेंद्र राठौर के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। यह शासन की योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना व छत्तीसगढ़ शासन की महती योजना न्योता भोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत हरदी के सरपंच श्री योगेंद्र प्रताप सिंह गौरव के जन्मदिन के अवसर पर सरपंच जी के द्वारा विद्यालय के बच्चों को सामूहिक न्योता भोजना कराया गया। विद्यालय परिवार के लिए हर्ष की बात है कि वे अपने जन्मदिन विद्यालय के बच्चों के साथ मिलकर मनाया, बच्चों को मिठाई केक के साथ स्वादिष्ट भोजन कराया। कार्यक्रम के आरंभ में शिक्षक नरेंद्र राठौर के द्वारा कार्यक्रम की भूमिका व महत्व बताई गई, फिर भारतीय परंपरानुसार सर्वप्रथम भोजना तैयार होने के बाद गौमाता को भोजन कराया गया, फिर ग्राम के सरपंच पंच श्री राजशेखर सिंह अध्यक्ष गोविंद खरसन की उपस्थिति में बच्चों सहित शाला परिवार को भोजन कराया गया। अतः में शाला परिवार की ओर से सभी जनप्रतिनिधियों को आभार ज्ञापित किया गया। उक्त कार्यक्रम में ग्रामवासी सहित श्री आलोक गढ़ेवाल, श्रीमती सीता गढ़ेवाल, राजकुमार, शत्रुहन, लता कश्यप व समस्त विद्यार्थी उपस्थित रहे। लगातार खनिज विभाग के द्वारा अवैध उत्खनन पर दबिश करने के बावजूद बलौदा ब्लॉक देवरी घाट में अवैध उत्खनन जोरों पर है। जहां एक तरफ प्रशासन का कार्रवाई अवैध उत्खनन में मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है, फिर भी अवैध उत्खनन माफियाओं द्वारा लगातार देवरी घाट बलौदा ब्लॉक में सुबह से शाम तक ट्रैक्टरों में रेत उत्खनन करते देखा जा रहा है। संबंधित अधिकारियों से इस बारे में जानकारी दी गई, टीम भेजने का हवाला भी दिया गया, मगर फिर भी कोई टीम नहीं पहुंची और अवैध रेतों का कारोबार खुले आम शहरों में एवं आसपास के क्षेत्रों में रेतों का सप्लाई जारी है। जिले में अभी भी यह मामला चरम सीमा पर तेज तर्रार जारी है। विभागीय कानून सख्त करने के बावजूद अवैध रेत माफियाओं द्वारा लगातार जिले के रेत घाटों से संबंधित विभाग को रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है और कारण ऐसा भी अनुमानित लगाया जा रहा है कि इसमें कुछ लोगों की मिलीभगत से यह सब कारोबार फलफूल रहा है, जिस पर लगाम लगाना संबंधित अधिकारी को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चंद्रशेखर बरेठ, माई भारत ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट, जांजगीर चांपा से। नमस्कार, मैं मानस वार्ता समाचार जांजगीर से बोल रहा था सर। हाँ बताइए सर। सर यहाँ देवरी में अवैध रेती उत्खनन चल रहा है सर। हाँ अभी हम लोग 2-3 गाड़ी को रुकवाए तो चुन्नीलाल साहू का गाड़ी है, इसका गाड़ी है, ऐसा वैसा करके बोले। सब लगे हुए हैं सर, उसी का चल रहा है।
तहसीलदार और खनन विभाग वाले तो एडीएम सर को भी रिंग किए थे तो थाने को सूचित कर दो ऐसे करके बोले। हाँ ठीक है ना, मैं अभी यहाँ आया हूँ, रिमांड लेने आया हूँ जहांगीर जी, उसको भेजवा दो ना, तो खड़ा करवा दो। गाड़ी खड़ा करवाए सर, यहाँ तो सब हुड़दंगाई कर रहे हैं। मैं भेज रहा हूँ किसी को। हाँ स्टाफ भेजिए सर यहाँ। ठीक है ना जी जी। कौन रुकवाया है? कौन रुकवाया है गाड़ी? हम ही लोग रुकवाए थे सर, हम जानकारी लेने के लिए, रॉयल्टी पर्च जानकारी लेने के लिए हम ही लोग रुकवाए थे यहाँ, उड़दंगाई कर रहे हैं। चुन्नीलाल साहू का गाड़ी है, इसका गाड़ी है, उसका गाड़ी है करके। किसी गाड़ी रहा है उसको चाहिए, शासन का जो नियम है उसके अनुसार से भैया। जी जी जी, टीम भेजिए सर, स्टाफ एक दो लोग को। मेरे पास स्टाफ तो नहीं है, एक मुश्किल है, अभी दो जने लेके आ रहे हैं आरोपी को, गाड़ी नहीं है उनके पास, भेजता हूँ फिर भी देखता हूँ। जी जी भेज देते। कहाँ पर रुकवाए हैं? यहीं रोड पे ही सर, जो घाट जाने का रास्ता है वहीं पे, बहरिया में देवरी घाट सर, देवरी घाट नहीं पहरिया में के देवरी में, देवरी में सर, देवरी में। जी जो मेन रोड बना हुआ है अंदर घाट जाने का, उसी पे। ठीक है, मैं अपना लोकेशन दे देता हूँ।